जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब एक बंदा कोई एडमिशन लेने जाता है ताइक्वांडो करने के लिए तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जब आप ताइक्वांडो में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए तो वहां पर आपको यूनिफॉर्म दी जाती है। उस यूनिफॉर्म के साथ आपको एक व्हाइट बेल्ट मिलती है। जो आपको यूनिफॉर्म दी जाती है इस यूनिफॉर्म को डोबो बोलते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात है कि जब ये आपको यूनिफॉर्म मिल गई तो आपका लेवल और बेल्ट कलर दिखाया जाता है कि आपका लेवल और बेल्ट कलर कौन सा होगा। लेवल आपका जूनियर होता है, जो लेवल है जूनियर होगा और सीनियर। तो जूनियर और सीनियर दो हिस्सों में बटे होते हैं। आपकी बेल्ट अगर व्हाइट है और सीनियर की येलो है तो सीनियर येलो बेल्ट कहलाएगा, आप व्हाइट बेल्ट कहलाओगे। बेल्ट कलर्स क्या करते हैं, ये जूनियर और सीनियर के अंतर को बताते हैं। ये बताते हैं कि कौन जूनियर है और कौन सीनियर है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, इस बेल्ट कलर्स के बारे में जान लेते हैं कि बेल्ट कलर्स कितने होते हैं और उनका क्या क्या मतलब है। तो सबसे पहले आपको व्हाइट बेल्ट मिलती है, उसके बाद से येलो बेल्ट मिलती है, जब आपका प्रमोशन होता रहता है तो ग्रीन बेल्ट मिलती है, फिर प्रमोशन होता है ग्रीन बेल्ट मिलती है, चार चार छह छह महीने के अंतर पर प्रमोशन होता रहता है, उसके बाद से ब्लू मिलती है, ब्लू का प्रमोशन हो गया ब्लू वन मिल गई, ब्लू वन का भी प्रमोशन हो गया रेड वन मिल गई, और रेड वन का भी जब प्रमोशन हो गया तो वो ब्लैक बेल्ट मिलती है। जब ये सारी बेल्ट आपको मिलती है, सब आप अचीव कर ले जाते हो तो उनका मतलब समझिए। व्हाइट से लेकर के रेड बेल्ट तक को कप कहते हैं, के यू पी कप है, और जो आखिरी में ब्लैक बेल्ट मिलती है उसको हम डैन कहते हैं। जब भी कोई पहली बार ब्लैक बेल्ट होता है तो वो हमारा कहलाता है फर्स्ट डैन, कहलाता है फर्स्ट डैन, फर्स्ट डैन, और उससे पहले वाली जितनी भी बेल्ट होती है वो कब कहते हैं। तो बस ये जानकारी मुझे आपको बतानी थी कि जब आप कहीं जाएं एडमिशन लेने के लिए तो इन बातों का ध्यान रखें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और एम रखते हैं 100 व्यूज का। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आफ्ताब आलम फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।